हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का सेकंड लेक्चर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में। इससे पहले मैंने एक इनकम टैक्स का बेसिक लेक्चर डाला है, आप वो देखिए और फिर यहाँ पर आना। हाँ सर, हम वो देख आए, उसके बाद ही हम यहाँ पर आए। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में हम बात करते हैं। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बेटा? 1 जुलाई 2017 इस दिन GST लॉन्च हुआ है। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? बट ऐतिहासिक दिन था ये, GST लॉन्च हुआ था इस दिन। ठीक है सर, GST लॉन्च हो गया 8 जुलाई को। ये टैक्स JNK के ऊपर अप्लाई हो गया। बात समझ में आती है? हमने ये क्यों डाला? क्योंकि पिछली बार बेटे क्वेश्चन आया था कि हमारा GST कहाँ कहाँ पे अप्लाई होता है। तो बेटे पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। अब वो स्पेशल स्टेटस नहीं रहा जो था, अब जम्मू कश्मीर हमारा पार्ट है, पहले भी था अभी भी है। एक जो आर्टिकल ने उसको थोड़ा सा अलग कर रखा था, वो नहीं है। ठीक है, अब ये जर्नी कंटिन्यू कर रही है। अब GST से पैसा ही पैसा हमारी गवर्नमेंट कमा रही है। ठीक है, हमें ये तो सर आपने पिछले स्लाइड की एक आपने स्लाइड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दी। हाँ, हमने ये पेस्ट इसलिए करी क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पिछला लेक्चर नहीं देख कर रहे होंगे। ठीक है, फटाफट से हम उनको बता देते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो टैक्स का इंसिडेंस है वो आप बियर करते हो, मतलब वो टैक्स आपकी जेब से जा रहा है, आपने जो कमाई करी उसमें से जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? वो आपकी तरफ, आप उसको कलेक्ट करके दे रहे हो बट वो आपका टैक्स नहीं है। आपने किसी और से चार्ज किया और वो चार्ज लेकर अपना टैक्स लिया और ये टैक्स गवर्नमेंट को दे दिया। आप सिर्फ एक कलेक्टिंग एजेंट हो इनडायरेक्ट टैक्स केस के अंदर। आपने चाहे उस पर 5% टैक्स हो, चाहे 10% हो, चाहे 100% हो, आपने क्या करना है? मेरे गुड की वैल्यू 100 रुपीज है, गवर्नमेंट इस पे 100% टैक्स मांग रही है, आप 100 रुपये और दो, आपको 200 रुपीज का पड़ेगा। जो आपने 100 रुपीज कस्टमर से लिए वो 100 रुपीज आपने एज इट इज अपनी गवर्नमेंट को जाके दे दिए। गवर्नमेंट ने बेटा डेज डिफाइन कर रखा है, आपको इतने दिन तक ये पेमेंट करनी ही करनी है। ठीक है, हाँ सर, मैं बात समझ आता है, हमें इंग्लिश वाली डेफिनेशन बताओ। चलो, डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या आता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट डायरेक्टली बेयर्स द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स। मतलब हम टैक्स दे रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स, हम ही उसका इंसिडेंस बियर कर रहे हैं, मतलब हमारे ऊपर ही खर्चा हुआ रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कस्टमर। हम कस्टमर से कलेक्ट कर रहे हैं, हम कलेक्टिंग एजेंट है, कलेक्ट करके हमने दे दिया। दस इंसिडेंस ऑफ द टैक्स इज शिफ्टेड टू अदर पर्सन। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, इसके बाद हम बात को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव प्रोपोर्शनल, ये हमने इनकम टैक्स में कवर किया है। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव क्यों है? क्योंकि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, डायरेक्ट टैक्स बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है। गवर्नमेंट कह रही है आप इनकम ज्यादा कमा रहे हो तो आप टैक्स ज्यादा दो। बात समझ आती है? और इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव क्यों है? आप ये बताओ सर, क्या जब हम खर्चा कम करते हो हमें कम टैक्स देना पड़ता है, कम देना पड़ता है, कम देना? रिग्रेसिव का मतलब क्या है? ज्यादा हम लेंगे तो क्या हमें कम टैक्स लगेगा, क्या होगा? रिग्रेसिव का मतलब ये नहीं है आप जो सोच रहे हो कि ज्यादा अगर हम सर्विस लेंगे तो हमें कम टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा नहीं। रिग्रेसिव का मतलब, इसको कहते हैं हम परसेंटेज वाइज ऑफ योर इनकम। अगर आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स की अगर आपके पास अप्लाई करता है, मतलब आप कोई गुड्स एंड सर्विसेज लेकर आए तो आपने कुछ परसेंटेज ऑफ टैक्स उसको दिया, फॉर एग्जाम्पल 18% का टैक्स दिया, और दूसरी साइड कोई अमीर बंदा है जिसके पास बहुत पैसा है उसने भी उतने ही परसेंटेज का टैक्स दिया। समझ रहे हो बात? अब क्योंकि आप गरीब हो, आपके पास थोड़ा पैसा कम है, गरीब नहीं, आपके पास थोड़ा सा लिमिटेड रिसोर्स है, तो आपको वो टैक्स ज्यादा बॉदर कर रहा है। मेरी इनकम के रिस्पेक्ट में मेरे को ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है GST के माध्यम रूप में, और वही जो थोड़ा सा जो मतलब वेल टू डू है, जिसके पास पैसा बहुत है, उसको अपनी इनकम के रिस्पेक्ट में जो परसेंटेज है GST का वो कम लग रहा है। समझ रहे हो बात? अगर वो इतनी ज्यादा इनकम कमा रहा है तो उससे GST ज्यादा ले लेते, बट ऐसा नहीं किया उन्होंने, इसलिए इसको रिग्रेसिव बोला गया। मतलब जिसके पास रिसोर्सेस कम है उसके ऊपर GST का बोझ परसेंटेज वाइज ज्यादा होता है, और जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा है उसके पास GST का बोझ, GST का जो बियर बर्डन है वो कम होता है उसकी इनकम के रिस्पेक्ट में, इसलिए हमको रिग्रेसिव बोलते हैं। ऑल द कंज्यूमर इक्वली बियर्स द बर्डन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। मैकडॉनल्ड्स में जो बर्गर मिल रहा है उसके ऊपर जितना टैक्स मेरे को देना है उतना ही किसी 100 करोड़ वाले इनकम वाले बंदे को भी देना है। तो मेरे को वो परसेंटेज जो मेरे पे बर्गर का टैक्स लिया गया वो मेरे को ज्यादा इफेक्ट करता है, ना कि वो 100 करोड़ रुपए वाले को। उसको क्या इफेक्ट करेगा? उसका तो परसेंटेज बहुत कम लगा।
इसलिए हम इसको रिग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स के अंदर जो बर्डन ऑफ टैक्स हम ही बियर करते हैं जो टैक्स दे रहा है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स में उसमें उसका बर्डन हम दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, जो कस्टमर उसकी तरफ चला जाता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स। हम पढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। ये बेटा एक जर्नी है। ओहो, हम बड़े दिनों बाद जर्नी पे जा रहे हैं। जीएसटी के अंदर क्या होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में हेल्प करेगा, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी के काफी सारे क्वेश्चन में हेल्प करेगा। ठीक है, हाँ, मैन्युफैक्चर ने 1 लाख रुपीज का सामान को मैन्युफैक्चर किया। अब कह रहा है मैं मैन्युफैक्चर तो बेचेगा, वो डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढ रहा है। डिस्ट्रीब्यूटर को उसने बोला तू 1 लाख रुपीज में गुड्स को ले ले। डिस्ट्रीब्यूटर कह रहा ओके। अब मैंने बोला मेरे को गवर्नमेंट को 18% देना है इस कॉस्ट के ऊपर, तू मेरे को 18,000 रुपये दे दे, और जीएसटी के पर्सपेक्टिव मतलब जीएसटी का वाला इस पे 18,000 हो गया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने 1 लाख रुपए इसके गुड को बेचा और उसे उसके ऊपर 18,000 रुपये उससे ले लिए। अब मैंने बोला ये गवर्नमेंट 18,000 रुपये ले लो, मैंने आपके लिए, मैं कलेक्टिंग एजेंट, हम सब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं बेटा, हमने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पैसे दे दिए, लो 18,000 रुपये। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पेड टू गवर्नमेंट 18,000 रुपीज, मैंने कैश बैंक में एंट्री करी और लो पेमेंट ले लो अपनी। बात समझ आती है? वैल्यू एडिशन 1 लाख, बात खत्म। ये वाली बात सारा मैं समझ आई बेटा, डिस्ट्रीब्यूटर के केस में समझ आएगी। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने जब 1 लाख रुपीज का जो लिया, उसको कॉस्ट कितने की पड़नी चाहिए? सर इधर 1 लाख कॉस्ट क्यों लिखा है, इधर 1,18,000 क्यों नहीं कॉस्ट लिखा? हमारी गवर्नमेंट ने बोला जो आपने इस 18,000 का टैक्स दिया डिस्ट्रीब्यूटर, आपने जो ये 18,000 का टैक्स लिया उसको अपने कॉस्ट में मत लेके जाओ। क्यों मैं उसको कॉस्ट में क्यों ना लेके जाऊं? गवर्नमेंट ने बोला हम इस 18,000 को आपको वापस कर देंगे। हैं? मैंने कहा वापस कर दोगे तो मैं अपने कॉस्ट में नहीं लेके जाता अगर आप मेरे को वापस कर दोगे। अब इसको वापस करने का तरीका क्या है हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हमने गवर्नमेंट ने बोला कि आप कॉस्ट में मत लेके जाओ, हम नहीं लेके, हमने गवर्नमेंट की बात मान ली, हमें भरोसा है। ठीक है, हमने कॉस्ट में 1 लाख लिखा, हमने कहा इस पे हम 11,200 रुपए का प्रॉफिट कमाएंगे। उनका ठीक है जितना मर्जी आप कमो, हमने प्रॉफिट लिखा 11,200। हमारा सेल प्राइस हमने लिख दिया 1,11,200। इस 1 लाख पे हमने जब रिटेलर को बेचा, 18% तो हमें उससे भी लेना है जीएसटी, मैं उसके पास चला गया, हाँ जी रिटेलर जी आपका बिल बना है 1,11,200, इसके ऊपर गवर्नमेंट 18% का टैक्स मांग रही है। हमने कहा ठीक है, उसने कहा ठीक है, काम करना तो देना पड़ेगा। 18% का टैक्स दिया, वो आया 20,016 रुपीज। बेटा कैलकुलेट कर लो इतने आएगा, 1,11,200 का 18% आया इतना। हमने बोला इतने का हमारा सेल प्राइस प्लस इतना आप दे दो। अब जब रिटेलर ने मेरे को पेमेंट कर दी कितने की, 1,11,000 प्लस 20,000, मैंने कहा ठीक है, अब मैं गवर्नमेंट के पास, अब मेरे को गवर्नमेंट को 20,016 रुपीज देना है, मैंने गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किया ना, हाँ गवर्नमेंट के लिए कलेक्ट किए, तो मैंने कहा 20,000 गवर्नमेंट, ये रहा 20,000। जब मैं दे रहा था ना, पेमेंट कर रहा था, तब मेरे को गवर्नमेंट ने बोला रुको 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 रुको। मैंने बोला क्या हुआ, क्यों रुकू? उन्होंने बोला जो 20,000 आपने हमें देने हैं, हमें आपके रिफंड करने 18,000 रुपये, याद है आपको जब अपने पहले दिए थे? मैंने कहा हाँ, आपने वो भी रिफंड करने, तो आप हमें नेट पेमेंट कर दो। हैं? इसका क्या मतलब है बेटा? ये 18,000 रुपीज का आप इनपुट ले लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं बेटा इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने 20,000 रुपये में से, 20,016 रुपये में से 18,000 रुपये का इनपुट ले लिया, मैंने नेट कर दिया, और गवर्नमेंट को मैंने बैलेंस पेड टू गवर्नमेंट 2,016 रुपीज। बात समझ आती है? मैंने गवर्नमेंट को बैलेंस 2,016 रुपीज दिए, गवर्नमेंट कह रही हाँ इतना ही चाहिए था हमें। इसको हम बोलते हैं बेटा आउटपुट लेस इनपुट। ये हमारा आउटपुट टैक्स है जो हमने आगे वाले से चार्ज किया, और ये जो हम इनपुट पहले वाले से दे चुके हैं, इसका बैलेंस हमें गवर्नमेंट को देना होता है। ठीक है, हाँ। अब हमने वैल्यू एडिशन कितनी करी, हमारा नेट टैक्स उतने पे है। सर वैल्यू एडिशन क्या, हमने कितनी की वैल्यू एडिशन करी है बताओ बेटे? हमने जो वैल्यू एडिशन करी है वो हमने प्रॉफिट जितनी ही करी है। आप देखो अगर आप 11,200 रुपए पे 18% निकालोगे तो वो 2,016 रुपए ही आएगा। जितना आपने कमाया, गवर्नमेंट उसी पर टैक्स मांग रही है आपसे, जितना आप कमा रहे हो उतने पे ही टैक्स दिए, जितना कमाओगे उतने पर टैक्स दोगे ना। तो उन्होंने बोला आप 11,200 रुपए का प्रॉफिट, 11,200 रुपीज का प्रॉफिट कर रहे हो, इसलिए आप उतने पे टैक्स दे दो बेटा, 18% करोगे ना, सेम ही आएगी बात। हाँ, और सेम एक्सरसाइज को अगर रिटेलर और कस्टमर करेंगे, अब
कस्टमर के केस के अंदर ये वाली चेन हम काट दें, बात ये वही रिपीट होगी। कस्टमर के केस के अंदर जब उसको एंड में ये वाला अमाउंट बेचा गया, रिटेलर ने कितने का बेचा बेटा, उसके लिए कॉस्ट, चलो हम ये भी कर लेते हैं, उसके लिए कॉस्ट बोली कि रिटेलर को भी जो जीएसटी का पोर्शन अपनी कॉस्ट में लेके नहीं जाना, ठीक है। हमसे कहा बोला मेरी कॉस्ट इतनी है, मैं इसके ऊपर 24,000 का प्रॉफिट कमाऊंगा। ओह, 111,200 पे वो 24,000 का प्रॉफिट कमाने की बात कर रहा है। तो उसने बोला मेरा सेल प्राइस है 135,000, इसके ऊपर 18% चार्ज करूंगा, 24,451 का जीएसटी लूंगा मैं आगे वाले बंदे से। उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा कस्टमर 24,251 का जीएसटी दो, मेरा सेल प्राइस 135 ही है, बट गवर्नमेंट 24,000 रुपीज मांग रही है इसके ऊपर। मैंने कहा ठीक है, कस्टमर कह रहा है हाँ लो। अब जब 24,000 रुपीज में गवर्नमेंट को देने जा रहा है रिटेलर, तो उसने बोला आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लो, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने टोटल टैक्स दिया उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, 20,016 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहे हो, तो आपको जो नेट पेमेंट करनी है बेटा, नेट पेमेंट इन दोनों का डिफरेंस 4,435। बेटे ये कैसे निकला, जो इसने प्रॉफिट कमाया 24,640 का, ये इसी का 18% है, ये इसी का, जो आप पैसा कमा रहे हो सिर्फ उसी पर टैक्स ले रही गवर्नमेंट, क्या कितनी अच्छी गवर्नमेंट है। अब बात आई कंज्यूमर को कोई इनपुट मिलेगा, कंज्यूमर ने तो गुड्स लिया, खा पी लिया, मजे मार लिए, वो थोड़ा अभी किसी को बेच रहा है। तो उसके लिए बेटा ये पूरा का पूरा अमाउंट इंक्लूडिंग जीएसटी उसके लिए कॉस्ट है, देख रहे हो बेटा, एंड में सारा अमाउंट कॉस्ट ही तो है। आप जो लैपटॉप लेकर आए खरीद के, वो पूरा आपने पेमेंट कर दी, आप उसका इनपुट नहीं ले सकते कहीं, तो पूरा का पूरा आपका कॉस्ट हो गया। बात समझ में आती है, देखो बेटा इस केस के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट निल हो गया, निल निल जीरो, नो इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट, आप कोई नहीं ले सकते, टैक्स बॉर्न बाय कस्टमर। एंड में बेटा ये सारा का सारा टैक्स 24,000 रुपए का टोटल, जो बेटा एंड में टैक्स लगा ना 24,000 का, वही वही जो एंड में टैक्स लगता है जो बियर करते हैं, वही टोटल टैक्स है 24,000 का। बेटा देखो एंड में टैक्स लगा ना, आप पीछे के सारे टैक्स को ऐड कर लो, मिला के सबका टोटल आएगा 24,451। पहले 18,000 का टैक्स दिया क्या कहते हैं मैन्युफैक्चर ने, फिर डिस्ट्रीब्यूटर ने 2,016 रुपीज का टैक्स दिया, फिर रिटेलर ने 4,435 का टैक्स दिया, इन तीनों को ऐड करो बेटा 24,451 का टैक्स गवर्नमेंट के पास चला गया, यही फाइनल टैक्स है। समझ में आती है बात? हाँ सर, हमें समझ में आती है, हमें जर्नी समझ में आ गई। और बताओ सर, और हमें क्या बताओगे? अब हम इसके अंदर पढ़ेंगे रिटर्न, और कुछ नहीं पढ़ेंगे जीएसटी के अंदर, अब हम पढ़ेंगे रिटर्न के बारे में। जीएसटी आर वन क्या होती है? इसके अंदर उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अगर आप बिजनेस टू बिजनेस सेल कर रहे हो या आप बिजनेस टू कंज्यूमर सेल कर रहे हो, इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। उसके केस में उन्होंने इसलिए डिवाइड किया, अगर आप क्या कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस सप्लाई कर रहे हो, तो आपका जो अगला पार्टी है वो भी बिजनेस के रिलेटेड है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास कि उस बिजनेस वाली पार्टी को आगे बेचना है, तो वो इनपुट लेगा आउटपुट लेगा, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हाँ, तो बिजनेस टू बिजनेस के केस के अंदर उन्होंने बोला कि हमें इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए, जितना का आप बेच रहे हो, आप टैक्स लगा रहे हो, आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स दे दो गवर्नमेंट को, जो जो इनवॉइस काटे हैं सबकी डिटेल्स चाहिए। बात समझ में आती है? हाँ। अब इसके हम डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई के बारे में बात करें, हम ले रहे हैं उनसे टैक्स। उन्होंने बोला बिजनेस टू बिजनेस कस्टमर की बात कर दी, इसके अंदर आ गया यूआईएन होल्डर। सर ये यूआईएन होल्डर क्या है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है यूआईएन। बेटे ये एम्बेसीज के केस के अंदर होता है ना, एम्बेसीज इंडिया का पार्ट नहीं, पता आपको वो फॉरेन है, एम्बेसी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बेटे, वो फॉरेन कंट्री होती है जो एम्बेसी का एरिया होता है, तो उनके ऊपर हम जीएसटी थोड़ा ना लगा सकते हैं जब वो इंडिया में है नहीं, ये होल ऑफ इंडिया में लगता है, एम्बेसी इंडिया का पार्ट ही नहीं है, एम्बेसी है नहीं इंडिया का पार्ट, तो अगर उनको कोई सर्विस दे जा रही है तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लग सकता, हमारे एक्ट के हिसाब से नहीं लग सकता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे बेटे, यूआईएन वालों को जो भी आप सर्विस देते हो ना, अगर आप एम्बेसी को कोई सर्विस दे रहे हो, एम्बेसी ने जितना टैक्स दिया उस समय वो गवर्नमेंट से वापस ले लेगी, वो रिटर्न भरेगी, हमने इतना टैक्स दिया वापस कर दो, हम तो आपकी कंट्री में आए नहीं। हाँ बेटा ये ऐसा होता है, तो यूआईएन नंबर उन्हीं के लिए, ठीक। बी टू सी बिजनेस टू कस्टमर इंटरस्टेट, अगर आप कस्टमर को बेच रहे हो तो बिल वाइज की क्या जरूरत, नहीं जरूरत ना, बट इन्होंने इसके अंदर एक प्रोविजन डाल दिया, अगर आप बिजनेस टू कस्टमर हो, मतलब आप डायरेक्टली कस्टमर को बेच रहे हो, बट आपका कस्टमर दूसरी स्टेट का है, आप बड़े मतलब बिजनेसमैन हो,
कस्टमर आपका दूसरी स्टेट से आके सामान ले रहा है, तो उन्होंने बोला अगर आप इनवॉइस वैल्यू 2.5 लाख से ऊपर है तो उसके हमें इनवॉइस वाइज डिटेल चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा चाहिए तो चाहिए, हाँ अगर इनवॉइस वाइज 2.5 लाख से कम है इनवॉइस तो आप ठीक है कंसोलिडेटेड लिस्ट बना के दे दो। अगर आप इंट्रा स्टेट दिल्ली का दिल्ली में ही कर रहे हो, अपनी स्टेट का अपनी स्टेट में कर रहे हो, तो कंसोलिडेटेड डिटेल्स सबकी मिला के डिटेल अपलोड कर दो, हमें कोई टेंशन नहीं है। GSTR 1 में हमने सारी की सारी डिटेल्स भर दी, B2B क्या, B2C क्या, सारी की सारी डिटेल्स जो जो गवर्नमेंट ने मांगी हमने दे दी। अब इसके अंदर क्या आता है और बताओ सर, ये सर HSN क्या है? बट एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर होता है कि मतलब अगर आपका जो सर्विस है उसके हिसाब से क्या कोड में आप जाओगे और कितना रेट ऑफ आपका टैक्स लगेगा, ये HSN होता है। ठीक है बेटा, ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, उसी को हम फॉलो करके उसका क्या कहते हैं जो HSN कोड से उसको बताते हैं ये इस HSN कोड के अंदर इसके ऊपर इतना टैक्स लगता है। बात समझ में आती है? हाँ, आपको सिर्फ इसकी क्या कहते हैं फुल फॉर्म पता करनी है। ठीक है, ठीक, इसके अंदर और सारी चीजें आप इग्नोर कर सकते हो बट आप एक बार रीड कर लेना। ठीक है, हाँ, GSTR 3B, हम 1 पढ़कर आए थे, 3B के अंदर क्या है बेटे? 3B के अंदर सिर्फ समरी है, कोई डिटेल नहीं, कोई कुछ नहीं। अब बताओ आपके पास कितना टैक्स लगेगा, कितने वैल्यू की सर्विस दी, कौन सी एग्जेम्प्टेड थी, कौन सी नहीं वाली थी, सिर्फ समरी बता दो आपको कितना टैक्स देना है, आपने उसमें से कितना इनपुट लिया, उन्होंने कहा समरी चाहिए। ठीक है, GSTR 3B के अंदर समराइज डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ड सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज। सर हमें आउटवर्ड सप्लाई समझ में आता है जो हम आउटपुट चार्ज कर रहे हैं, ये इनवर्ड सप्लाई लायबल टू सर्विस रिवर्स चार्ज क्या है? कोई कोई सर्विसेज या गुड्स देने वाले ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब वो ढीठ बंदे हैं, वो देते नहीं है, या फिर वो स्मॉल सर्विस प्रोवाइडर है और आप जो ले रहे हो आप बड़े सर्विस प्रोवाइडर, आप बड़े सर्विस प्रोवाइडर या गुड्स के डीलर हो। तो गवर्नमेंट ने बोला अगर कोई छोटा बंदा, छोटा इंसान, मतलब जो थोड़ा सा छोटे लेवल का बिजनेस कर रहा है, अगर वो टैक्स नहीं दे रहा तो उसका टैक्स आप रिवर्स चार्ज में जमा करो। हैं बेटा, हाँ अगर आप दे सकते हो, अगर आप दे रहे हो तो आपने अगर कोई ऐसे बंदे से गुड लिए जिसने अपने बुक अपनी क्या कहते हैं इनवॉइस पे GST चार्ज नहीं किया तो आपको चार्ज करना पड़ेगा। आप कहोगे तूने चार्ज नहीं किया तो क्या हुआ, मैंने तेरे से खरीदा है, मैं ये GST खुद जमा करा दूंगा, तो मैंने इनवर्ड के ऊपर जमा करा दिया टैक्स को। इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, RCM। हम आउटवर्ड पे करते हैं चार्ज बट इस केस के अंदर हमने इनवर्ड पे कहा कि हम दे देंगे तेरा, टेंशन क्यों ले रहा है, हमने चार्ज करके दे दिया गवर्नमेंट को। बात समझ में आती है? हाँ, समराइज है बेटा। GSTR 1 में हम डिटेल में थे, ये समराइज डिटेल ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज मेड बाय अनरजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम UIN होल्डर, इन सबके बारे में समराइज बता दो। एलिजिबल एंड इन एलिजिबल ITC, एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट, गवर्नमेंट ने बता दें कौन कौन से टैक्स क्रेडिट इनपुट हम लेकर आ रहे थे ना, कौन कौन से आप ले सकते हो, कौन कौन से नहीं ले सकते, जोन जोन से नहीं ले सकते वो आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्ट नेल रेटेड एंड नॉन GST इनवर्ड सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स कितना कर रहे हो, TDS TCS क्रेडिट कितना है। अच्छा, इसमें जो एक और बात थी, अगर कोई इन एलिजिबल ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट है, जो हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा था उसको हम कॉस्ट में लेके नहीं जा रहे थे पिछले एग्जांपल में, अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया आप इसके ऊपर ITC नहीं मिलेगा, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो हम उसको अपनी कॉस्ट में लेके जाएंगे, लॉजिक बनता है ना, अब तो हमारी कॉस्ट में होगी, गवर्नमेंट हमें रिफंड नहीं कर रही, उस केस के अंदर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट, हमारी कॉस्ट, हमारे को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा, इनपुट नॉट अवेलेबल है तो हमारी कॉस्ट में वो जाएगा। बात समझ में आती है? हाँ सर, हमें समझ में आती है, गवर्नमेंट अगर हमें रिफंड नहीं करी तो हम तो अपनी कॉस्ट में डाल के कस्टमर से ले लेंगे। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, ऐसे करना। एक और रिटर्न आई है सर, GSTR 4। सर कितनी रिटर्न है बेटा, एक थोड़ी सी और है। ठीक है, GSTR 4 के अंदर क्या होता है, रिटर्न ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लायर। हमारी गवर्नमेंट ने बोला जो थोड़ा सा छोटे लेवल के ट्रेडर्स हैं उनके लिए कॉम्पोजिशन स्कीम लेकर आए, क्या आप ये इनपुट आउटपुट की डिटेल्स में करोगे? आप छोड़ो, आपने जो इनपुट दिया उसको भूल जाओ, आप जो आगे चार्ज कर रहे हो लोगों से आप उस पर कुछ परसेंटेज, कम परसेंटेज दे दो, कम परसेंटेज दे दो। हैं सर, हमें कोई रेट बताओ कंपोजिशन सप्लायर का। मैं आपको सर्विस के केस के अंदर बताता हूँ, सर्विस के केस के अंदर हमारा जो रेट ऑफ टैक्स है वो 18% है ना, जिसने कंपोजिशन में ओके कर दिया होगा, जिसने कहा मैं कंपोजिशन सप्लायर बनना चाहता हूँ, उसको रेट ऑफ, उसको जो टैक्स लगेगा वो 6% लगेगा, 18 की जगह 6%। मैं कंपोजिशन स्कीम का सप्लायर हूँ, मैं कम टैक्स दे रहा हूँ। सर इस 6% पे आने से क्या हुआ कि जो मेरे इनपुट मेरे को लेने थे वो गवर्नमेंट ने कहा काटा मार दो, आप इनपुट नहीं ले सकते,
आप सीधा अपने टर्नओवर का 6% गवर्नमेंट को जमा करा दो और ये इनवॉइस वैल्यू के अंदर जाएगा। मैं कस्टमर से तो ले नहीं रहा, ये मेरा एक्सपेंस नेचर का हो गया। बात समझ में आती है? इस केस में मैं कस्टमर से चार्ज कर रहा हूँ, बट मैंने बिल वैल्यू के अंदर लिख दिया पूरा पूरा का पूरा 50 लाख का बिल, मतलब 20 लाख का बिल है ये, और इसके अंदर ही टैक्स है। समझ रहे हो बात? हाँ, तो इसकी जो रिटर्न हम भरेंगे हम इस तरीके से भरेंगे, GSTR4 फॉर अ फाइनेंशियल ईयर शुड बी फर्निश्ड बाय 30th अप्रैल फॉर द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर की एक रिटर्न भर जाएगी। ठीक है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग GSTR4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, पूरे फाइनेंशियल ईयर का 30th डे ऑफ फॉलोइंग मंथ ऑफ अप्रैल। बाद में 31 मार्च को हमारा ईयर खत्म हुआ, 30th डे ऑफ अप्रैल, एक महीने के अंदर अंदर आपको पूरे फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न को भरना है, आपने कितनी सेल करी। बात समझ आती है? हाँ, ये रिटर्न पूरे साल की है, बट आपको टैक्स टाइम टू टाइम देना है, टैक्स क्वार्टरली देना है, टैक्स को जो आपने कलेक्ट किया ना वो क्वार्टरली देना है। इस केस के अंदर क्या है, CMP 08, क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स शुड बी फर्निश्ड बाय 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर, हर एक 3 महीने के बाद 18वीं तारीख को, हर एक 3 महीने बाद जो 18th डेट आएगी उस तक आपको पूरे क्वार्टर का, 3 महीने का टैक्स जो आपके हिसाब से बनता है आपको वो खुद असेस करके देना है। ठीक है ना? अपने बैंक स्टेटमेंट खोलो, कितना कितना आपने टैक्स कितना बनता है आपका, कितना आपने रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू लिया आपने, उसके ऊपर 6% लगाया, इंटू किया और दे दिया। बात समझ में आती है? जितना आपने रेवेन्यू कमाया उस पर 6% लगाया और गवर्नमेंट को दे दिया। आप मेरे को छोड़ दो, मैंने आपको 6% दे दिया, आप मेरे पे कोई जीएसटी का कंप्लायंस मत करो। ठीक है, बात समझ में आती है? अब आती है और थोड़ी सी रिटर्न, GSTR5। आप इसको बेटा बस पढ़ के चले ना, थोड़ा बहुत रट सको तो रट भी लेना। ठीक है, GSTR5 क्या होता है? मंथली रिटर्न रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर। बेटे कोई नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है, बाहर का बंदा यहाँ पे टैक्स पे कर रहा है, ठीक है, बट यहाँ पे बिजनेस चल रहे हैं उसके, तो उन्होंने बोला 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ और विद इन 7 डे आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। जो भी नेक्स्ट मंथ का 20th डे है, अगर आप रजिस्टर्ड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर हो तो आप 20th डे जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर अंदर आप पेमेंट कर दो। ठीक है, अब GSTR 9, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या कहता है, एनुअल रिटर्न रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन ISD। ISD आपके लिए नहीं है, ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अदर देन ISD, टैक्स डिडक्टर, टैक्स कलेक्टर, कैजुअल टैक्स पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर, 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ उसके 31st दिसंबर के तक आपको एनुअल रिटर्न भरनी है। समझ में आती है बात? पूरे साल की रिटर्न सबको कंसोलिडेट करना और आपको भर के बताना कि ये मेरा हिसाब रहा पूरा। GSTR 10, फाइनल रिटर्न, टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन हैज बीन सरेंडर्ड और कैंसल्ड। एक फाइनल रिटर्न, बेटे ये एनुअल रिटर्न तो आपको हर साल भरनी है, आपकी फाइनल रिटर्न उसके बाद बेटे काम ही नहीं करना, आपने संन्यास ले लिया। ठीक है, उन्होंने कहा फाइनल रिटर्न भरो और जाओ विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। आपने कहा बिजनेस ही नहीं कर रहा मैं, इतना इतना रिटर्न मैंने बिजनेस ही बंद कर दिया। उन्होंने बोला एक फाइनल रिटर्न भरो विद इन 3 मंथ, जिस दिन आपने सरेंडर किया कैंसिल हुआ उसके 3 महीने के अंदर एक फाइनल रिटर्न भर के आप जाओ। ठीक है, GSTR 11, डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाइज पर्सन। ओहो बेटा UIN वाले आ गए, पर्सन हु हैव बीन इशूड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्बेसी वाले, एम्बेसी वालों को जिस जिसने सर्विस दी उन्होंने सबके नाम नोट कर रखे हैं, हमने इससे सर्विस ली इसको इतना टैक्स दिया, हमने इससे सर्विस ली हमने उसको इतना टैक्स दिया, वो ये रिटर्न भर के गवर्नमेंट को दे देंगे। गवर्नमेंट फटाफट इनका पैसा वापस करती है, बट एम्बेसी वाला साइड डरते हैं ना, गवर्नमेंट फटाफट कहती है लो अपना पैसा वापस लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। बात समझ में आती है? GST के अंदर हमें इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, आगे अगर कुछ आएगा तो जय भगवान जी के। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही। अच्छा, इसके नोट्स दोनों के अटैच है इसके अंदर, इसके डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर, और जो मेरी ऐप है उसको भी डाउनलोड करके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, और एक हफ्ता बचा है तो आप MCQ बेस्ड स्टडी जो टॉपिक वाइज MCQ वो भी ले सकते हैं, और इसके जो हमारे नोट्स हैं वो भी अटैच होंगे और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आएंगे। ठीक है, चलो जी, और कोई आपकी रिक्वेस्ट हो तो आप बता देना, क्या कहते हैं कमेंट्स के अंदर, कुछ और पढ़ाना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।